हरियाणा पोल खोल न्यूज पर आज आपको दिखा रहे हैं हाशी राजकीय महाविद्यालय में पूर्व छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर डिब्बीवस थे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में जनरल मेजर श्रीकांत व ए.के. चावला पूर्व वाइस चांसलर कुलचित्र विश्वविद्यालय समारोह में पहुंचे। समारोह में पूर्व छात्रों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया, विशेष रूप से जो स्कूल कॉलेज की प्राचार्य है सविता मान व आए हुए अतिथियों ने सुदक्षिणा बामल सहित कई छात्रों को इस अवसर पर उपस्थित को सम्मानित किया गया। राजकीय महाविद्यालय जो कि यहाँ आज कार्यक्रम था पूर्व बच्चे मिलन समारोह का, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। उस सिलसिले में आज यहाँ कुछ छात्राएं हैं और स्कूल की यहाँ की महाविद्यालय हैं, इनके प्रचारी यहाँ हैं, उनसे इस सिलसिले पूछेंगे कि कैसा, किस आधार पर उन्होंने कार्यक्रम किया और इनकी प्रपोजल भविष्य में क्या है। मैडम जी, आपका हरियाणा पोल खोल में स्वागत है। पहले सबसे प्रथम आपको नाम बताइएगा। ये मैं सविता मान, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज हाँसी। मैडम जी, किस प्रपोजल के लिए आपने ये कार्यक्रम किया था आज? हमने कॉलेज के स्वर्ण जयंती वर्ष के ऊपर एक संधि सेतु नाम से पूर्व छात्रों की एसोसिएशन बनाई थी और आज हम उन्हीं का मिलन और सम्मान समारोह करने जा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज को बने 51 साल हो गए हैं। तो स्वर्ण जयंती वर्ष में एक हमने ये नया कार्यक्रम शुरुआत करने की सोची थी, इसीलिए 50 साल से लेकर के अब तक जितने भी विद्यार्थी थे, संस्थापक टीचर्स थे, पहले प्राचार्य थे, उन सबको हमने यह एकत्रित किया है। ये पहला आपने की थी, उससे पहले किसी ने नहीं की? ये पहला ही कार्यक्रम है। इन 50 पहल भी आपने की है? पहला ही है तो अंडरस्टूड है कि पहल मैंने ही की है। तो आगे प्रपोजल क्या है आपकी? हमने इसका मेन उद्देश्य यही रखा है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो अपनी ज़्यादा फीस नहीं भर सकते, कुछ कोचिंग लेना चाहते हैं, उनकी फीस वगैरह का इंतजाम इससे किया जाए। गरीब स्टूडेंट्स के लिए हम साल भर को देने के लिए एक बुक्स के लिए उनका बुक बैंक बनाना चाहते हैं और जैसे जैसे कॉलेज की कुछ ज़रूरतें होंगी, मूलभूत आवश्यकताएं होंगी, उसमें सहयोग करने के लिए एसोसिएशन सहयोग करेगी। तो आपको सरकार की तरफ से कोई ग्रांट वगैरह? नहीं, इसमें सरकार की ग्रांट का या ऐसा कुछ नहीं है। ये पूर्व छात्रों का समारोह है, उन्होंने ही अपनी तरफ से अपने महाविद्यालय के लिए जो कुछ करने की सोची है उन्हीं का कार्यक्रम। देखा गया जी, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी आए हुए थे जो उम्र से रिटायरमेंट हो गए हैं, यानी कि नौकरी से भी रिटायरमेंट हो गए हैं, उनका आपने सम्मान किया जी? आप ये मान के चलो ना कि 51 साल में तो तीसरी पीढ़ी आ जाती है, तो जो उस समय के प्रिंसिपल्स थे, उस समय के टीचर्स थे, उनके जो विद्यार्थी थे उस समय 20-22 साल के तो रहे होंगे। दादा पोते को भी समान होने का यहाँ अवसर मिले? बिल्कुल, ये भी देखने को मिले, दादा भी आया, पोता भी, दोनों को समान हुए। बिल्कुल, कई ऐसे थे जो 3-3 पीढ़ियाँ, 2-2 पीढ़ियाँ यहीं से शिक्षा ग्रहण करके गए और आज वो अपने शिक्षकों के साथ अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि मेजर जनरल जी और लेफ्टिनेंट जनरल डीडीपी, साथ ही अविनाश कुमार चावला जी जो इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और आज वो विशेष आमंत्रित सदस्य भी। मैडम, आगे भविष्य में क्या योजना है यहाँ कॉलेज में? कॉलेज में तो एज यूजुअल जो चीज़ें रहती हैं सारा उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। स्टेडियम वगैरह और खेल, स्टेडियम वगैरह ये सब तो कॉलेज के अवश्य में नहीं होता ना, ये तो सरकार की घोषणाओं के अंदर होता है। नहीं, मांग तो कितनी होगी अपनी मांग वगैरह? यहाँ मैं किससे मांग कर? डीपी बस जी ने हमें एक जिम हॉल के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, वो बन गया है और उसका उद्घाटन आज यहाँ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बुढ़िया, आपको क्या नाम है जी? मीना। तो आप पहली बार यहाँ पढ़ रहे हो? पहले पढ़ेगी क्या? मैंने यहाँ से बीएससी किया। तो आपको कैसे लग रहा है कॉलेज में? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ सब पुराने फ्रेंड्स भी मिले हैं, टीचर्स भी मिले हैं, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आपको सम्मान होने का गौरव भी प्रदान हुआ? हाँ, बिल्कुल। बुढ़िया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति वर्मा है, मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर 2018 में पास आउट हूँ। मुझे यहाँ का स्टाफ, यहाँ के जो भी लाइब्रेरी या जो भी स्टाफ टीचर है, प्रिंसिपल, यहाँ आए हूँ। आपको काफ़ी दिनों बाद आए होंगे, साल दो साल से मिले, तो इसमें कैसे महसूस है आपको, कुछ बदलाव मिलेगा यहाँ? हाँ सर, बहुत कुछ अच्छा चेंज हुआ है यहाँ पे। जैसे हमारे गर्ल्स के लिए, हमारे टाइम में कोई एनसीसी वगैरह नहीं थी, एनएसएस थी, तो गर्ल्स के लिए इस टाइम पे एनसीसी आई हुई है। जो और मैनेजमेंट है, स्टाफ टीचर्स है, बहुत अच्छे हैं, लाइब्रेरी बहुत चेंज हुई है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी चेंज। बार बार आओगे? आखिरी बार
नहीं सर, आते रहेंगे, अपने टीचर से मिलते रहेंगे, जब जब मौका मिलेगा। हमारे अपने जो भी आज सक्सेस हुए हैं, हमारे टीचर का उनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, हमारे सक्सेस के पीछे, तो उनसे मिलना तो हमारा अंत है, तो हम मिलते रहेंगे बार बार। सर, चैनल को राम राम करते हो, सभी दर्शकों को, सभी को राम राम। हमें तो बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं जैसे जब से मैं टीचर हूँ उसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ देख के, गेट टुगेदर, काफ़ी लोग खुश थे। सर मैं यहाँ 17 साल, हाँ जी सर, हाँ जी सर, एलुमनाई मीट फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पे, तो फिर वो काफ़ी अच्छा हुआ, मतलब गेट टुगेदर अच्छा हुआ है, मतलब काफ़ी लोग खुश है और अपने फ्रेंड से मिलके। नो सर, नो सर। बाकी अपनी स्टूडेंट से पूछिए, उनका फीडबैक लीजिए। मेरा नाम अनिल जैन है और मैंने 2005 में यहाँ से बीए कोर्स पास आउट किया था। 2006 में ही मेरी नौकरी लग गई थी दिल्ली एयरपोर्ट पे और आज भी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे ही सेवाएं दे रहा हूँ। और ये एक बेहतरीन मौका था जो दिल्ली एयरपोर्ट पे लगी नौकरी तो ये एक बेहतरीन मौका इस एसोसिएशन ने दिया सभी गुरुजनों से और सभी यार दोस्तों से मिलने का। और ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्हें शायद ज़िंदगी में दोबारा हमने याद नहीं किया था और आज उनसे मिलके इतनी खुशी हुई है। और अपनी एक एक चीज़ हम देख रहे हैं जाके कि भाई ये देखो ये बिल्डिंग थी, इस रूम में पढ़ते थे, तो ये एक बेहतरीन अवसर रहा मेरे लिए। तो जी जी, मैं आज मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा, बहुत से देशों के लोग वहाँ काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जब अपने बैकग्राउंड के बारे में अनऑफिशियल टॉक्स होती हैं तो इट इज ऑलवेज प्रिविलेज टू टेल दैट कि आई एम पास आउट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज हांसी व्हेन इन अ नॉर्मल कन्वर्सेशन। दो यू हेल्प फ्रॉम हांसी? यस यस। You talk about your previous college and then Hansi. Yes, definitely I talk about that only. Which type of impression you will give them? I give two impressions that Haryanvi culture is very rich. Number one, though I speak multiple languages, Hindi, English, Punjabi, Haryanvi, everything. Yes, I was a student of this college at the year. I'm passed out of 2001 from this college and the old memories are very attached with this. Yeah, share your memories. I recall your past memory also. एलुमनी स्टूडेंट्स मेरे साथी और भी काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पर और हमें बहुत अच्छा लगा अपने पुराने साथियों से मिलकर, अपने कॉलेज के पुराने दिनों को याद किया हमने वो दिन याद किए हैं जब हम यहाँ कैंटीन में बैठा करते थे, क्लासेस को देखा हमने जहाँ पढ़ा करते थे, तो काफ़ी पुरानी मेमोरीज हमारे को याद आई और पुराने साथियों से मिलकर हमारे को बहुत खुशी। अभी फिलहाल आज मैं जुडिशियल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के पद पर जॉब कर रहा हूँ। जी, मैं कितना देते हैं इस कॉलेज को? इस कॉलेज का मेरी लाइफ में जो सक्सेशन है उसका पूरा श्रेय मैं इसी कॉलेज को देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा है। ये दो स्टूडेंट्स आए एलुमनाई युवर में, वर्ष है तुमने? मेरा नाम दिलीप जांगड़ा है, जांगड़ा हांसी सिविल कोर्ट हांसी में काम करता हूँ एज ए क्लर्क। कैसा लगा आज यहाँ? बहुत अच्छा लगा, नरेश ठकराल जी से मिलके, पुराने मित्रों से मिलके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसकी तो बड़ी आबो हवा अच्छी हो गई, ग्रीनरी देख रहा हूँ, डेवलपमेंट बहुत हुई है कॉलेज की, बिल्डिंग और बन गई है, उस टाइम कम थी, अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। वर्षु नाम? माय नेम इज मुंजाल। हाँ मुंजाल साहब, बताइए कैसा लगा आज इसके अलमनी मीट में? अलमनी मीट को देख के आई एम सो ग्लैड एंड आई कांट एक्सप्लेन व्हाई वर्ड्स। अच्छा, फीलिंग्स? फीलिंग्स इन वर्ड्स। यू फील इमेंस प्लेयर हियर टू कम हियर? यस। When I entered the college, I known nothing. कुछ भावुक क्षण भी आए जो पुराने मित्रों मिले? बिल्कुल भावुक क्षण भी आए क्योंकि जब कॉलेज में एंटर किया था तो कुछ भी नहीं पता था, उसके बाद यहाँ के टीचर्स ने, जो भी स्टाफ था, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, उनके कारण हम सभी हर जगह पे हर एक फील्ड में मैंने पार्टिसिपेट किया और प्राइज भी गेन किए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के और प्रोग्रेस देख के तो बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ मेरे एडिटर ललित भारद्वाज जी भी हैं, ये भी पूछेंगे, सबको पूछिएगा, सब बताइए कैसे लगा जी? अच्छा लगा, कई साल बाद वापस आएगा, अब दिल करता है कि दोबारा फिर आएंगे वापसी, दोबारा पढ़ लीजिए बस। परिंदा फिर घंटी बजाना चाहता है कॉलेज में प्रवेश करना। हाँ जी, पुराने स्टाफ मिले,
ज़्यादा मैटर लड़कियाँ बहुत अच्छे हैं तो लड़कियाँ कम होंगी। हाँ जी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। पहले की तुलना में लड़कियाँ ज़्यादा है लड़के ज़्यादा है? पहले तो लड़के ज़्यादा थे लड़कियाँ कम थी, अब लड़के ज़्यादा हैं। मैं मेरे एडिटर ललित भारद्वाज के साथ राजीव मकसद इसलिए इजाज़त चाहता हूँ कि हमने पूरे फंक्शन को कवर किया है और पूरे ठीक है सर सब्सक्राइब कीजिएगा कौन कौन चैनल को ललित भारद्वाज दोस्त रहते हैं। यस सर यस सर वो यस सर किसने बोला जो क्या नाम है आपका? सर प्रिंस यादव। अंडर ऑफिसर भी है क्या आपका कोई यहाँ? नहीं सर। आज आपने सल्यूट किया अपने मुख्य अतिथि को? यस सर। कैसा लगा कोई? सर बहुत बढ़िया सर। आपके पास तो क्या परेड करते हैं सुबह शाम? यस सर वीक में दो टाइम होता है। दो टाइम होती है। आज क्या था तुम्हारे कॉलेज में? आज सर एनुअल फंक्शन था। पीछे के वाले जितने भी हमारे कॉलेज से जो भी पास अप करवा रहे हैं वो अच्छा काम किया सर। कैसा लगा फंक्शन? कैसा रहा? अच्छा।